हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द अनुराग मिश्रा शो। जी हाँ, आज मैं आपके साथ हूँ आपके इंटरैक्टिव इंग्लिश में एक नए चैप्टर की शुरुआत के लिए। जी हाँ, इस बुक में चैप्टर 7 जो आपके देखा जाए तो हाफ ईयरली सिलेबस का 7 चैप्टर है, और खास करके अगर देखा जाए सिलेबस के हिसाब से तो लास्ट चैप्टर होता है हाफ ईयरली यूनिट एग्जाम के पहले का। ये चैप्टर आज के जीवन में कितना अच्छा है और क्या इसके संभावनाएं हैं, कितना हम कुछ इसमें कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए है। टॉपिक की अगर या चैप्टर के नेम की हम बात करें तो काफी अच्छा टॉपिक है, और चैप्टर का नेम है डोनेटिंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज सुप्रीम शेयरिंग। जी हाँ, ह्यूमन ऑर्गन की डोनेशन की बात की गई है। जब हम ह्यूमन ऑर्गन की डोनेशन की बात करते हैं तो सिर्फ एक ऑर्गन्स की बात नहीं हो सकती है, डोनेशन आप किसी भी रूप में सेल्स टिश्यूज की बात हो सकती है, लेकिन जहां पे ऑर्गन डोनेशन की बात आती है वहां पे वो प्योरली डेड यानी एक पूर्ण रूप से मृत व्यक्ति के शरीर से कुछ चीजें दान की जा सकती है, या मेडिकली डिक्लेयर्ड डेड यानी जिनको टेक्निकली डेड घोषित कर दिया गया है और कोर्ट की और सरकार की अप्रूवल के बाद आप डोनेट कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं। तो इन सारी टेक्निकलिटीज को भी यहाँ थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है, क्या क्या संभावनाएं हैं, इन्हीं सारी चीजों को आइए डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को या इस चैप्टर को समझते हैं कि सुप्रीम शेयरिंग का मतलब क्या होता है, क्यों सुप्रीम शेयरिंग का दर्जा दिया गया है, या फिर कुछ अलग अलग रिलीजन्स में क्या कहा गया है इसको कंटिन्यूअस चैरिटी एक रिलीजन ने कहा है, किसी ने कुछ और कहा है, तो क्या क्या है इस डिटेल में आइए देखते हैं। आगे की टॉपिक पे हम जाएं उसके पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ग्रामर के सेक्शन के लिए हमारा पूरा का एक सीरीज है पार्ट ऑफ स्पीच की, वो भी कंटिन्यूअसली एक अलग प्ले लिस्ट में चल रही है, आप ग्रामर की वीडियोज वहां देख सकते हैं। क्लास 7 का सीजन पब्लिकेशन की जो हमारे पास है इंटरेक्टिव इंग्लिश, ये यहाँ इस प्ले लिस्ट में क्लास 7 के नाम से चल रही है। तो पेज नंबर 79 पे हम आ जाते हैं और शुरू करते हैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, कि ह्यूमन डोनेशंस या खास करके ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन ये क्यों सुप्रीम शेयरिंग कही जाती है। तो अगर हम बात करें इसके टॉपिक में, क्या सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्गन डोनेशन होता क्या है। तो ऑर्गन डोनेशन एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट उन लोगों का किया जाता है जिनके कोई ऑर्गन फेलियर की समस्या होती है, जैसे आप न्यूज में सुनते होंगे आई ट्रांसप्लांट की गई है, दूसरे की आंख लगाई गई है, घुटने ट्रांसप्लांट किए गए हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड डोनेशन तो आप शुरू से ही जान रहे हैं, टिश्यू भी ट्रांसप्लांट होते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में किए जाते हैं। तो अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या डोनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऐसा ऑपरेशन जहाँ पे ऑर्गन या फिर टिश्यू को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मेडिकली फिट किया जाता है, तो ये प्रक्रिया एक तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की कही जाती है। अब यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि एक मेडिकली पहले इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें संभव नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे चीजें डेवलप हुई हैं, टेक्नोलॉजी आई है, वैसे वैसे मेडिकली लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरीके से वरदान साबित हुई है। अब अगर देखा जाए तो एक सिंगल डोनर जो आपके सेकेंड पैराग्राफ में कह रहा है कि इट इज बिलीव्ड दैट ऑर्गन फ्रॉम वन डोनर कैन सेव एज मेनी एज 50 लाइफ, ये मतलब ये हुआ कि एक सिंगल दान देने वाला व्यक्ति कम से कम 50 जीवन बचा सकता है अलग अलग अंग दान करके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन लोग दान कर सकते हैं या कहाँ से ज्यादातर होता है, तो सबसे ज्यादा जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि या तो आदमी या उस पर्सन की मृत्यु हो चुकी हो या फिर टेक्निकली डेड डिक्लेयर किया जा चुका हो। दूसरा, एक
बिना नुकसान के, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो बॉडी में दो किडनी होती है, तो म्यूचुअल हो जाता है कि अगर किसी का किडनी खराब हो गई है तो उसके फैमिली मेंबर्स या फिर जो उसके नियर डियर होते हैं वो एक डोनर के रूप में सामने आते हैं और अपनी एक किडनी दान करते हैं, डोनेट करते हैं अपने दूसरे फैमिली मेंबर को जिसे उसकी जरूरत होती है। आप बहुत सारे टीवी एड भी देखते होंगे जहाँ पे सेलिब्रिटीज, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, रवीना टंडन हो, इवन आपके बुक में भी आप देखिए, इन लोगों ने अपनी आंखें दान की हुई है, यानी जब इनकी मृत्यु होगी तो इनकी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति को लगा दी जाएंगी जिसको आंखों को या देखने की समस्या होगी। तो उससे क्या होगा कि ये इनके ना रहने के बाद भी ये दुनिया देख सकते हैं, और यही सारी चीजें जहां तक है अगले पेज पे दिया गया है। पेज 79 के लास्ट में आप देखेंगे तो अर्बन डोनेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बून ऑफ मॉडर्न साइंस। तो वर्तमान वैज्ञानिक युग में एक सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है जो अर्बन डोनेशन का एक प्रक्रिया सामने आई है। अब हमें एक और चीज ग्रेटिफाई करनी होती है, एक तरीके से हमें यह मानना होता है जो सेटिस्फेक्शन देता है कि हमारे ना रहने के बाद भी हमने जो काम किए हैं या हम जो दान करके जा रहे हैं, चाहे किडनी हम दान करके जा रहे हैं, आईज डोनेट करके जा रहे हैं, उससे हमारे चर्चे या हमारे गुडविल हमेशा बनी रहेगी लोगों की यादों में, लोगों के दिलों में हम हमेशा अपना स्थान बनाए रखते हैं। और इसी वजह से जो जिस पर्सन को आपने अपनी आंखें दान की हैं, किडनी दान की हैं, वो कभी भी आपको भूल नहीं सकता है, क्योंकि वो जो देख रहा है, वो जो अपना जीवन जी रहा है, वो अपने बदौलत नहीं जी रहा है, आपकी बदौलत जी रहा है। तो यहाँ पे एक जो कंटिन्यूअस शेयरिंग या तरीके से कंटिन्यूअस चैरिटी की बात की गई है वो यही है। किसी एक धर्म में कहा गया है कि ऑर्गन डोनेशन जो है वो लगातार चलने वाली, यानी अनवरत दान प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चैरिटी है। वैसे ही मुस्लिम धर्म में सदका या फिर आप जरिया कह सकते हैं इसको, यानी उनका अपना एक टर्म होता है जो दान देने के लिए होता है, तो वो भी वहां पे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे आपको ये ऑर्गन डोनेशन वाली चीजें हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप दान करके आपने अपना कर दिया है, लेकिन जिसको आप दान कर रहे हैं वो जीवन पर्यंत, जब तक उसका जीवन है तब तक वो आपके तरीके से कृतज्ञता अपनी व्यक्त करता रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। हाँ, इसमें कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज भी आजकल होने लगी हैं, वो भी लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है आपकी बुक में, कि लोगों को बहला फुसला कर या जबरदस्ती उनकी बॉडी से बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं और बेच दिए जाते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसको पता नहीं चलता है उसकी किडनी निकाल ली गई। तो ये सारी चीजें जो अनलॉफुल एक्टिविटीज भी होने लगी हैं, हमें इन सारी चीजों से सावधान रहना चाहिए। सरकार और समाज द्वारा बनाए गए नियम जो हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, और किसी भी अनैतिक कार्यों का हमें कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो ऑर्गन डोनेशन के बारे में आपके छोटे से चैप्टर में दी गई है। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक पढ़ के डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन के लिए थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ेगी, और भी इसकी जानकारी आप गूगल के थ्रू या फिर इंटरनेट के माध्यम से अपने परिवार में लोगों से पूछ सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। हमारी जब रियल क्लासेस चलेंगी तो हम उसमें और कोशिश करेंगे कि आपको ऑर्गन डोनेशन के बारे में साइंटिफिकली कुछ और कर जानकारी दे सकें। तो मिलते हैं बच्चों फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के लिए, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।